सोमवार को चारों धाम में बर्फबारी से चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है। आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। यमुनोत्री धाम में कल ओले गिरे, इसको देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर अब रोक जो लगी है वो 15 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण करा चुके हैं वो यात्रा कर पाएंगे। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर अपील की है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करें। देखिए किस तरह मौसम की मार देखने को मिल रही है सभी धामों में। कपाट खुलने के दिन से ही हम देख रहे हैं कि किस तरह लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है। व्यवस्थाएं वहां पर चरमरा गई है। बेसिक सुविधाएं, खाना पीना रहना भी वहां पर मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन की संख्या कम नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो अभी इस यात्रा में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम की लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि बीते 2-3 दिन तक मौसम साफ रहा और ऐसा लगा था कि अब यात्रा रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन भी अपील कर रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही आए। धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है, केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्यावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचाने और तभी यात्रा के लिए आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।